तो गाइस ये है यहाँ पे बोट का एरिया जहाँ पे बोट से हमें एलिफेंट बीच जाना है। यहाँ ऐसा कुछ व्यू है। तो यहाँ पे आपको कुछ वाटर एक्टिविटी करना है तो यहाँ पे बुक कर सकते हो और फिर वहाँ पे एलिफेंट बीच जाके कर सकते हो। तो ऐसा कुछ है, हमने तो अभी तक डिसाइड किया है कि कुछ नहीं करेंगे वाटर एक्टिविटी, बट देखते हैं। এই বিলে যদি 500 টাকা একটা ইনসাইড হয় আপনি মানিকে ফোন দাও ফোন তো ভাই এই টাইম দিন মার মার দিন মার দিন মার রাস্তা রাস্তা ও ओके सर अपना रेड वाला बटन एलिफेंट बीच बेसिकली जाना जाता है वाटर एक्टिविटीज के लिए। सो हम लोग सुबह गए थे, कौन सा बीच था संकेत? सुबह एम से कुछ नाम था, जहाँ पे हमने पैराग्लाइडिंग किया। स्कूबा डाइविंग किया है, मैं फिर अभी हम लोग पैराग्लाइडिंग किया। तो वहाँ पे स्कूबा डाइविंग किया है, मैं फिर अभी हम लोग पैराग्लाइडिंग किया। तो वहाँ पे स्कूबा डाइविंग किया है, मैं फिर अभी हम लोग पैराग्लाइडिंग किया।
सारा वाटर एक्टिविटीज यहाँ पे, जो बोट राइड करके आप आते हैं उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री आपको स्नॉर्कलिंग मिलता है, जो एकदम शोर पे होता है वाला स्नॉर्कलिंग कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलता है। और अगर आपको डीप डाइव करके स्नॉर्कलिंग देना है तो उसका कॉस्ट है 1000 रुपीज़। एंड देयर आर वेरियस वाटर एक्टिविटीज एज वेल, बनाना राइड है यहाँ पे, वो बेड वाला जो होता है वो वाला राइड है। एंड देन तुमने कौन सा जेट स्की है, इट इज वेरी नाइस, ऐसे लगता है ऐसे करके जाते हो वैसा वाला, वो बहुत ही अच्छा था। बोट से आए थे जितने भी गेस्ट हैं, प्लीज आप लोग अपना बोट के पास चले जाइए, बहुत अच्छा टाइम हो चुका है। अगर आपको स्कूबा डाइविंग से डर लगता है जैसे मैंने बोला, मुझे डर नहीं लगता, ब्रीथिंग प्रॉब्लम था, तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है कि आप कर पाएंगे क्योंकि स्कूबा डाइविंग के लिए वो 5000 रुपीज़ का है, तो आप यहाँ पे आके एक बार जब कॉम्प्लीट, तो यहाँ पे अगर आप पहले आएंगे ना तो आपको वो टेस्ट पता चल जाएगा, वो टेस्ट हो जाएगा आपसे कि आप स्नॉर्कलिंग कर पाएंगे फ्री में है। जब फ्री में नहीं हुई, जो डीप डाइव वाला है वो 1000 रुपीज़ का ही है, तो वो अगर आप करते हो तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप कर पाओगे कि नहीं स्कूबा डाइविंग। शुड यू इन्वेस्ट 5000 रुपीज़ स्कूबा डाइविंग और नॉट, आपको यहाँ से कन्फर्मेशन मिल जाएगा। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप एलिफेंट बीच पहले करें और उसके बाद स्कूबा डाइविंग करना चाहें, मेरी नेक्स्ट डे और आगे पीछे कुछ टाइम नहीं था, बट एलिफेंट बीच पहले करना तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन यहाँ पर अभी यहाँ पर आके हमको ऑलमोस्ट 3 घंटा दिया गया घूमने के लिए, 3 घंटे में यू कैन ऑल्सो, तो पैरासेलिंग भी यहाँ पर होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। आप ये कर सकते हैं, यहाँ पर चीज़ करो, बहुत अच्छे से फोटोज़ निकालो, उसका भी आप ये ले सकते हैं। हाँ, बट लोग ज़्यादा हैं तो आपके फेमस है एक्सपेंसिव प्लेस, या आपके आके आप उसका एंजॉयमेंट ले सकते हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पे बीच साइड में ना तो खाने के कुछ कुछ स्टॉल्स हैं, ऑलमोस्ट 4-5 स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको फ्रूट सैलेड प्लेट मिलेगा और आपको भेलपूरी, चाट पापड़ी, ये सारी चीज़ें मिलेगी। भेलपुरी का चाट पापड़ी का कॉस्ट वॉज अराउंड 100 रुपीज़ पर पर्सन, और वो जो फूड प्लेट वाला है वो 150 पर पर्सन पर प्लेट है। तो द रेट्स फॉर स्नैक्स, तो स्नैक्स ही आते हैं खाने के लिए, ऐसा लंच कुछ नहीं है, स्नैक्स का आप एंजॉयमेंट ले सकते हैं। That's it, अभी यहाँ से अलविदा कहते हैं और जाते हैं हमारे होटल अलविदा, और फिर रेस्ट करते हैं, आगे का वीडियो आगे देखेंगे। तो गाइस हम अपने होटल पहुँच गए, अभी हम होटल के हमारे जो प्राइवेट बीच है वहाँ पे बीच का हवा का मज़ा ले रहे हैं। देख लो कितना अच्छा बीच है, कोई नहीं है यार, हम दोनों हैं। नाश्ता कर रहे हैं और गाना सुन रहे हैं, कुछ बोलना चाहोगे कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, मुझे ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट था, तो फाइनली